हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सर आप लोगों को इस राजधानी फैमिली के यूट्यूब चैनल पे फिर से वेलकम करता हूँ। आज मैं फिर से फिजिक्स का सेकेंड सेशन, आगे का क्वेश्चन 1 से 50 तक पहले वीडियो में किए हैं, सेकेंड वीडियो में 51 से फिर से 50 क्वेश्चन का संग्रह लेके आया हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर अभी जो रेलवे का एग्जाम होने वाला, खासकर उसके लिए। देखते हैं हम लोग 50 क्वेश्चन का, देखते हैं, चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कूलम्ब किसकी एसआई मात्रा है। कल भी हम लोग पहले वीडियो में भी देखे थे कि एक ही क्वेश्चन बहुत बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। एक ही क्वेश्चन क्या हुआ, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इससे मतलब क्या होता है कि हम लोग इसको ऐसा पढ़ लेंगे, ऐसा याद हो जाएगा, ऐसा बैठ जाएगा दिमाग में कि कभी भी गलती नहीं कर पाए। आप लोग देखे होंगे कि सारा क्वेश्चन क्या हुआ है, पूछा हुआ है, सारा क्वेश्चन क्या हुआ है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, इजी, लेकिन क्या है, बार बार पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन को हम लोग इतना बार देख लेंगे कि दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोला, कूलम किसकी इकाई है। कल भी हम लोग बताए थे कूलम किसकी इकाई है। कूलम जो होता है वो आवेश का होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का क्या होता है, कूलम। इसका एक हम लोग और बताए थे कि आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, तो क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। और आई का क्या होता है मेरा, एम्पियर। आई का मेरा क्या होता है, एम्पियर। और टी का मेरा क्या होता है, सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। तो इसका एक एक ये होता है कूलम, और एक और क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। तो यहाँ पूछा क्या है कि कूलम किसकी इकाई है, तो किसका हो जाएगा, विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दाब की एसआई इकाई क्या है, दाब की एसआई इकाई क्या है। तो आप लोग को पढ़ाए थे कि दाब क्या होता है, दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। दाब क्या बताए थे, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल का ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि दाब का सिंपल इकाई अगर पूछे तो दाब का सिंपल इकाई मेरा क्या हो जाता है, पास्कल। क्या हो जाता है, पास्कल। अगर लेकिन अगर पास्कल ऑप्शन में ना दे तो क्या हो जाएगा, बल का यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूटन। अपर क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर ऑप्शन में पास्कल ना दे करके दे दे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो हम लोग ये भी मारेंगे। तो दाब का एसआई मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्कल, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। देखिए ये भी सेम ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, पास्कल। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कितना बार पूछा गया है, ग्रुप डी 2018 में किस किस शिफ्ट में पूछा गया है, इतना इजी क्वेश्चन कितना बार पूछा जाता है। ठीक है, देखिए तो क्या बोला, त्वरण का एसआई इकाई क्या है। हम लोग कल भी पढ़े थे त्वरण को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, त्वरण को ऐसे, किसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। बोला त्वरण की एसआई इकाई क्या है, तो कल ही हम लोग बताए थे कि त्वरण की एसआई क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे। देखिए आगे क्या बोला, संवेग की एसआई प्रति में इकाई क्या होगा। संवेग इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोमेंटम। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। पी बराबर, पी को हम क्या बोलते हैं, संवेग। अब पी बराबर होता है एम इंटू वी, मतलब कि द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है, तो द्रव्यमान का हम लोग जानते हैं क्या होता है, केजी। द्रव्यमान का क्या होता है, केजी। और इसका इंटू में वेग, वेग का हम लोग जानते हैं क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए पढ़िए। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा केजी मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से कौन सी तापमान की इकाई एसआई इकाई है। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। क्या होता है, केल्विन। क्या हो जाएगा, केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन। आप लोग को यहीं पे हम एक फॉर्मूला बताते हैं कि अगर कभी भी कोई चीज़ दे दे तापमान से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलना, तो उसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है सी बटा फाइव एफ फाइव बाई एफ माइनस 32/9 इक्वल टू
केल्विन माइनस 273 बाई 5। ये फॉर्मूला है, अगर कहीं पे कुछ भी मान दे दे, सेल्सियस का मान दे दे, फेरनहाइट का पूछे, तो ये दोनों का रिलेशन ले लेंगे। केल्विन का मान दे दे, इसका पूछे, तो ये दोनों का रिलेशन ले लेंगे। केल्विन का मान दे दे, सेल्सियस का पूछे, तो इसका रिलेशन ले लेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कहीं पे भी यूज होता है। अगर केल्विन सेल्सियस फेरनहाइट का मान पूछे, क्या हो जाएगा, सी बटे 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 9 इक्वल टू के माइनस 273 बाई 5। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग सिंपल क्या पूछा कि तापमान की ऐसी इकाई क्या होता है, तो तापमान का ऐसी इकाई क्या होता है, केल्विन। क्या होता है, केल्विन, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका इकाई है, किसका एसआई इकाई है, हम लोग को जो दिया वही लिखते हैं। ऊपर में क्या दिया है, न्यूटन, अब मीटर स्क्वायर दिया, ठीक है। न्यूटन किसका होता है, बल का, किसका होता है, बल का। मीटर स्क्वायर किसका होता है, क्षेत्रफल का। अब आप लोग बताइएगा कि बल बटा क्षेत्रफल फॉर्मूला किसका होता है, बल बटा क्षेत्रफल फॉर्मूला किसका होता था, आप लोग जानते होंगे कि दाब का क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो इसी का क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे, देखिए आगे क्या बोला है, भार की एस आई इकाई वही है जो एक एस इकाई है। कल भी हम लोग बताए थे कि भार बोले या बल बोले या उत्क्षेप बोले, ये सब हम लोग का क्या होता था, इसका एक ही मात्रक होता था, क्या होता था, न्यूटन। क्या होता था, न्यूटन। तो पूछा है कि भार की ऐसी इकाई वही है जो किसके समान होगा, तो यहाँ पे भार के समान आपको क्या दिख रहा है, बल। भार का भी न्यूटन और बल का भी, भार का भी न्यूटन बल का भी न्यूटन, तो भार और बल दोनों क्या है, सेम। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़िए ध्यान से, आंसर दीजिए। क्या रहा, आवेश का एसआई इकाई क्या होता है, अभी हम लोग स्टूडियो में पढ़े थे कि विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम, क्या होता है, कूलम। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, गलती है कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम, ठीक है। चलते हैं आगे, देखिए आगे क्या बोला, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष, इसका इधर क्या सापेक्ष राशि नहीं है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष, सापेक्ष मतलब वो होता है कि मतलब किसी पे निर्भर नहीं करे, स्वतंत्र पर, क्या होता है, स्वतंत्र। तो आप लोग जानते होंगे कि समय जो होता है ये कैसी राशि है, किसी के सापेक्ष नहीं है, ये क्या एकदम स्वतंत्र है, क्या ये बिल्कुल स्वतंत्र है, हमेशा चलते रहेगा, कभी नहीं रुकेगा, समय को आप रोक नहीं सकते, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा क्या है, स्वतंत्र राशि है, किसी के सापेक्ष नहीं है। तो यहाँ मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते आगे, देखिए आगे क्या बोला है कि निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, मतलब किसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो आप लोग को पता होगा कि घनत्व का क्या होता है, के जी पर मीटर क्यू, क्योंकि घनत्व का क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। बल का आप लोग जानते होंगे क्या होता है, न्यूटन। संवेग का आप लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, एम भी, मतलब एम क्या हो गया, के जी। अब भी का क्या हो जाएगा, के जी मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया घनत्व का, ये हो गया बल का, ये हो गया संवेग का, लेकिन क्या अपेक्षित घनत्व का होता है, नहीं होता है, किस राशि का लिए कोई मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं है, मतलब किसका समान नहीं है। आप लोग जानते होंगे चाल और बेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। कार और ऊर्जा का क्या होता है, जूल। कार्य और ऊर्जा का दोनों को क्या होता है, जूल। और दूरी और विस्थापन का क्या होता है, मीटर। दूरी और विस्थापन को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में। लेकिन बल, बल का क्या होता है, बल का हो जाता है न्यूटन। और दाब का भी हम लोग बताए थे कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों का देखिए क्या अलग अलग है, दोनों का क्या अलग अलग। तो कौन समान नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, डी मेरा क्या है, समान नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, देखिए आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। ओम मीटर की इकाई क्या होता है, अगर सिर्फ क्या देता ओम, तो हम लोग क्या मानते हैं, प्रतिरोध। क्या मानते हैं, प्रतिरोध। लेकिन यहां पे क्या दिया है, ध्यान से पढ़ेंगे,
ओम मीटर, ओम मीटर किसका होता है, प्रतिरोधकता का, किसका होता है, प्रतिरोधकता का। तो आप लोग ध्यान से इसको आंसर कीजिएगा, इन्हें कि मिस्टेक से ओम देखें और मार दिए प्रतिरोध, अगर ऑप्शन में रहा तो मार दिए प्रतिरोधक, नहीं ओम मीटर है, ओम मीटर किसका होता है, प्रतिरोधकता का, मतलब यहाँ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसकी ऐसा इकाई एम्पियर है, तो हम लोग जानते हैं एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का है, किसका है, ऑप्शन नंबर सी। विभवांतर किसका है, वोल्ट का है। विद्युत आवेश किसका है, विद्युत आवेश इसका क्या होता है, कूलम होता है, विद्युत आवेश का कूलम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, लेकिन विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर। तो यहाँ मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि मंदता, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, मंदता देखिए वही होता है जो त्वरण होता है, लेकिन ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर वेग बढ़ रहा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक, अगर वेग घटे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि त्वरण होता क्या है, समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग अगर बढ़ रहा हो तो क्या लेते हैं, धनात्मक, घट रहा हो तो ऋणात्मक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो मेरा त्वरण होता है, त्वरण को ही बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण को ही मंदता बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदता। तो हम लोग जानते हैं कि त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे, देखिए आगे क्या बोला है, ध्यान से पढ़िएगा, कारण निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाई समान है। अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था, क्या पूछा था, समान नहीं है, समान नहीं है, लेकिन इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से किस युग्म की एसआई इकाई समान है। तो आप लोग आंसर कीजिए कि बल और दूरी, बल और दूरी, बल का न्यूटन होता है, दूरी का क्या होता है, मीटर, बिल्कुल अलग है। संवेग और बल भी अलग है। कार्य और ऊर्जा, यहाँ क्या दिख रहे हैं, कार्य ऊर्जा, हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, क्या होता है, जूल। तो यहाँ मेरा आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है, एक पास्कल किसके बराबर होता है। तो अभी हम लोग पास्कल किसका मात्रक होता था, दाब का, पास्कल किसका होता था, दाब का, और दाब का हम बताए थे कि बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का न्यूटन ये बटा में है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, क्या करना है, सही मिलान करना है। देखिए ये तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूटन मीटर होगा, क्या होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं डब्ल्यू बराबर एफ एस, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे न्यूटन मीटर होगा, क्या होगा, न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू कर लीजिएगा खाली, तो यहाँ पे हम लोग मिलाएंगे 1 2 3, क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, किलोवाट, क्या दिया कि 1 किलोवाट, आप लोग जानते होंगे 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। दूसरा एक आप लोग जानते हैं किलोवाट दे, तो यहाँ क्या होएगा, किलो का मतलब क्या होता है, 1000, किलो का मतलब 1000, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1000 वाट। तो और बाकी वाट, वाट का इसका क्या हो जाएगा, इसमें मतलब 1 का क्या हो जाएगा 1 का A, 2 का क्या हो जाएगा C, 2 का C, और 3 का क्या हो जाएगा 3 का B। आप लोग सही से टिक कर सकते हैं, ठीक है, 1 का A, 2 का C, 3 का B, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारा विभवांतर का ऐसा इकाई क्या होता है, विभवांतर का ऐसा इकाई क्या होता है, बोल्ट, क्या होता है, बोल्ट। बाकी एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का। कूलम किसका होता है, विद्युत आवेश का। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। लेकिन बोल्ट किसका होता है, विभवांतर का, किसका होता है, विभवांतर का। तो यहाँ मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे, देखिए आगे क्या बोला, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं विद्युत धारा का क्या होता है, विद्युत धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई बराबर क्या होता है, Q/T। इसका अगर डायरेक्ट मात्रक पूछे तो हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर, क्या होता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर।
अगर ऑप्शन में एम्पियर ना दे तो हम लोग जानते हैं I बराबर क्यू बाई टी। आई क्यू क्या होता है मेरा आवेश, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है कूलम, क्या होता है कूलम, और कूलम पर सेकेंड, कूलम और टाइम का सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड, अगर कूलम पर सेकेंड भी दे तो भी मारेंगे। ठीक है चलते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक आप लोग याद रखिएगा कि तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है मीटर, क्या होता है मीटर। तरंग दैर्घ्य का अगर पूछे एसआई मात्रक क्या होता है मीटर। हर्ट्ज किसका होता है आवृत्ति का, ए नंबर जो ऑप्शन में हर्ट्ज है वो किसका होता है आवृत्ति का, किसका होता है मेरा आवृत्ति का। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होगा तरंग दैर्घ्य का क्या हो जाएगा मेरा मीटर, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सेकेंड टाइम का होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। ठीक है तो यहाँ पे मेरा तरंग दैर्घ्य पूछा है तो इसका मात्रक क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन आगे जाइए, ये हो चुका है, ये क्वेश्चन अभी हम लोग किए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा इकाई मोल का प्रतीक है, इसमें पूछा क्या है मोल का प्रतीक पूछा, पूछा क्या है मोल का प्रतीक, तो मोल का प्रतीक होता है एमओएल, एमओएल। ठीक है और एमओएल तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक, मतलब बड़े स्तर पर जो मात्रक का यूज किया जाता है वो वाणिज्यिक मात्रक क्या है, तो इसका हम लोग जानते हैं क्या होता है किलोवाट घंटा, क्या होता है किलोवाट घंटा। तो यहाँ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा ये, बाकी जूल कार्य ऊर्जा का, वोल्ट विभवांतर का, वाट किसका है शक्ति का, तो यहाँ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे, कारण मात्रक कूलम पर सेकेंड, यहाँ दिया क्या है देखिएगा कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। आप बताइए कूलम किसका होता है आवेश, कूलम दिया है तो कूलम किसका होता है आवेश, और टाइम सेकेंड किसका होता है समय का। तो इसको अगर हम आवेश को क्या लिखते हैं क्यू, इसको क्या लिखते हैं टी, बाई क्यू बाई टी किसका फॉर्मूला, आप ही लोग बताइए कि क्यू बाई टी किसका फॉर्मूला होता है। हम लोग अभी पढ़े विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है क्यू बाई टी, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा क्यू बाई टी, तो किसका फॉर्मूला है आई का विद्युत धारा का, तो यहाँ मेरा आंसर क्या होगा विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है एम्पियर, तो किसका हो जाएगा एम्पियर का, मात्रक कूलम पर सेकेंड किसका होगा एम्पियर का, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, तरंग वेग का अभी हम लोग पढ़े थे, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, यहाँ क्या पूछा तरंग वेग दे दिया, क्या दे दिया वेग, तो यहाँ क्या हो जाएगा वेग का हम लोग जानते हैं मीटर पर प्रति सेकेंड, मीटर पर प्रति सेकेंड, यहाँ वेग दे दिया, क्या दे दिया वेग, अगर अगर तरंग दैर्ध्य रहता तो क्या होता मीटर शिफ्ट, लेकिन यहाँ क्या दिया है वेग, वेग क्या क्या होता है मीटर पर प्रति सेकेंड, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। बाकी हम लोग जानते हैं हर्ट्ज होता है आवृत्ति का, मीटर किसका होता है तरंग दैर्ध्य का, विस्थापन का, सेकेंड किसका होता है टाइम का यूनिट है। ठीक है तो यहाँ मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे, देखिए अगला क्वेश्चन बोला ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण किसमें मापते हैं डेसिबल में मापते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, किसमें मापते हैं ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में, जूल क्या होता है कार्य ऊर्जा का, ओम किसका होता है प्रतिरोध का, एम्पियर किसका होता है विद्युत धारा का, तो यहाँ मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक ही क्वेश्चन इतना बार पूछा गया, इतना बार रिपीट हुआ है कि दिमाग में बैठ जाएगा, इतना बार इसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि सारा क्वेश्चन दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। ठीक है चलते हैं आगे, देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है, अभी हम लोग पढ़े ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है डेसिबल में, डेसिबल में हम लोग जानते हैं कि ध्वनि, हम लोग जो ध्वनि सुनते हैं उसकी आवृत्ति कितनी होती है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज, कितना होता है इस रेंज की ध्वनि को हम लोग क्या करते हैं सुन पाते हैं, किस आवृत्ति का 20 से 20,000 हर्ट्ज, तो यहाँ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे, देखिए आगे क्या बोला है, वन एटमोस्फियर, एटमोस्फियर एक प्रेशर दाब होता है वायुमंडलीय दाब को बोलते हैं एटमोस्फियर। ठीक है यहाँ बोला वन एटमोस्फियर बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं वन एटमोस्फियर बराबर होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। आप लोग याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया देखिए ग्रुप डी दो दो बार, एकदम याद रखेंगे कि वन एटमोस्फियर बराबर क्या होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल, 1.01 × 10⁵ पास्कल। ठीक है तो यहाँ मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
देखिए यहाँ क्या पूछा क्या है कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, मतलब कि 1 HP बराबर कितना होता है, 1 HP बराबर कितना वाट होता है। हम लोग जानते हैं 1 HP बराबर होता है 746 वाट, कितना होता है 746 वाट। 1 HP बराबर कितना हो जाता है 746 वाट। ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है चलते हैं आगे। देखिए आगे क्या बोला क्वेश्चन में, वन डायोप्टर पूछा क्या है, वन डायोप्टर हम लोग जानते हैं 1/FF को क्या चीज में लेते हैं, मीटर में, क्या चीज में आपते हैं मीटर में। अब मीटर में डायोप्टर को लेते हैं तो हम लोग इसको अगर हम लोग लिखें 1/m को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे मीटर इनवर्स, क्या लिख सकते हैं मीटर इनवर्स, क्या लिख सकते हैं मीटर इनवर्स। तो बोलिए ऑप्शन किस में दिख रहा है आपको, 1 भी लगा सकते हैं 1 मीटर इनवर्स, तो ऑप्शन किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है चलते हैं आगे। देखिए आगे क्या बोला क्वेश्चन में, 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो 1 मीटर आप लोग याद रखिएगा कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, 10^6 माइक्रोन, 10^6 माइक्रोन क्या होता है, माइक्रोन। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 10^6 माइक्रोन। तो यहाँ मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन, कारा कुलम किसकी इकाई है, कितना बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है बोलिए, कितना बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लगभग शुरू से अगर हम लोग पढ़ रहे होंगे तो कम से कम लगता है 5 से 6 बार रिपीटेड हो चुका है। देखिएगा थोड़ा, देखिए 1 मीटर एक भी क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, प्रदीप्ति की माप निम्न में से उपयोग करके की जाती है, कर प्रदीप्ति, प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसके उपयोग करके की जाती है। तो इसका आप लोग याद रखिएगा, इसका किसका किया जाता है, लक्स मीटर का, किसका, लक्स मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला, 1 किलोवाट हम लोग जानते हैं, 1 किलोवाट घंटा क्या दिया, 1 किलोवाट घंटा हम लोग जानते हैं इसके बराबर निकालना है ना। देखिए क्या होता है कि 1 को हम लोग क्या रखेंगे, 1, और किलो को हम लोग लिख सकते हैं 1000, 1 kg कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, तो किलो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000। इसको हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा, वाट, ये क्या हो जाएगा मेरा वाट। और घंटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं। अब बताइएगा आप लोग कि मेरा क्या हो गया, 1000। आप देखिएगा वाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वाट को हम लोग बताए थे पी बराबर क्या होता है मेरा, W/T। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का। अब वाट बराबर क्या होता है, पी बराबर W/T, और W क्या आता है, कार्य, कार्य का ऐसा मात्रक जूल, और सेकेंड का क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड, मतलब जूल पर सेकेंड बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसी को लिख लेते हैं। अगर हम लोग इसको लिखें तो गुना 60 मिनट को अगर हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 60 गुना 60। और वाट के लिए क्या आएगा, और ये मेरा क्या निकला, 60 गुना 60, ये मेरा क्या आ गया, सेकेंड में, किस में, सेकेंड में। और गुना मेरा क्या है, वाट, W है, इसका हम लोग क्या, वाट है, W का मतलब क्या हो रहा है, वाट। अगर हम लोग W ना लिख करके हिंदी में लिखें तो मेरा क्या है, वाट। अब वाट किसका होता है मात्रक, W/T, मतलब जूल पर सेकेंड। तो यहाँ अगर हम लोग करेंगे जूल पर सेकेंड, तो बोलिए सेकेंड से सेकेंड क्या हो गया, कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। तो अगर हम लोग इसको लिखें तो 3 6 36 अगुने 1 2 3 4 5 कितना है, 10^5 अजूल। अगर इसी को हम लोग अगर एक अंक इधर पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एगो पावर बढ़ जाएगा, एक पॉइंट इधर घसका है तो इधर 1 0 बढ़ेगा, तो यहाँ 10^5 ना होकर के क्या हो जाएगा, 10^6 जूल, क्या हो जाएगा, 10^6 जूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में आगे बहुत काम देगा। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10^6 जूल होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, 3.6 × 10^6 जूल, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 1 किलोवाट दिया, सिर्फ क्या दिया, 1 किलोवाट घंटा हटा दिया। ठीक है, इतना पूछा, तो हम लोग जानते हैं 1 गुना किलो का मतलब क्या होता है,
1000, किलो का मतलब 1000, यही क्या हो जाएगा मेरा वाट, मतलब कि 1000 वाट, क्या हो जाएगा 1000 वाट। अब वाट में जानते हैं ये मेरा क्या है वाट, अब वाट का मात्रक क्या होता है जूल पर सेकेंड, तो वाट को हम लोग लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो बोलिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। अब कह रहा है 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट इतना ही पूछा, अभी सेम इस पीछे रिपीटेड हुआ है, तो 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होता है, इसको लिख सकते हैं 1 किलो का मतलब 1000 और डब्लू किसको हम लोग बोलते हैं वाट, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1000 वाट, क्या हो जाएगा 1000 वाट। तो यहाँ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 5.5 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा, 5.5 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा। अभी हम लोग पढ़े थे 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल, तो यही पूछा है कि 5.5 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा। तो हम लोग सिंपल है कि इसमें क्या करेंगे, 5.5 किलोवाट घंटा बराबर पूछा, तो इसमें 5.5 क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल, 10⁶ जूल। अब बोलिए अगर इसको हम लोग पॉइंट खत्म करें 10, इसको हम लोग काट सकते हैं 5 × 10, 18 × 36, 5 × 10, 9 × 18 कर सकते हैं, और 11 × 55, तो यहाँ क्या हो गया मेरा 99/5, 99/5 मतलब कि 99/5 गुणे 10⁶ जूल, इसको अगर हम लोग भागा दें तो 19×95 बच गया 4, अगर हम लोग पॉइंट देंगे तो 4 और 0 कितना होगा 40, मतलब 19.8 × 10⁶ जूल, 19.8 × 10⁶ जूल, क्या ऑप्शन में दिख रहा है आपको, हाँ ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग समझे होंगे किस तरह से इसको बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ये भी वही है कि हम लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर अभी पढ़े 3.6 × 10⁶ जूल, तो क्या दे दिया इतना बराबर क्या हो जाएगा, तो इतना को हम लोग सिर्फ क्या करना है गुना कर देना, मतलब 5.6 × 3.6 × 10⁶ जूल, अब गुना करेंगे तो हम लोग इधर उधर पॉइंट ख़त्म करेंगे, तो यहाँ 10, यहाँ 10, अब बताइए हम लोग काट सकते हैं 5 × 10, 18 × 36, 5 × 10, 9 × 18 काट सकते हैं, 9 × 18 × 36, 5 × 10, 5 × 10, 9 × 18, अब बोलिए 9 से गुना करेंगे तो काट सकते हैं 9×54 क्या हो जाएगा 9×54 बाकी 5, 9×45 = 5, 50, अब बटा में क्या बचा 5×25, अब गुने 10⁶ जूल, अगर हम लोग इसको क्या करेंगे 504/25 को गुने 10⁶ को इसको अगर हम लोग भागा दें तो क्या हो जाएगा 25×100, 25×100 क्या होता है 100, अब 104 बार आ रहा है तो 500 है, तो इसको हम लोग क्या हो जाएगा 20, तो 20 पॉइंट कुछ आएगा, 20 देखिए आ गया, तो 20 को ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसका मतलब 20 पॉइंट क्या होगा 16×10⁶ जूल, तो यहाँ मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़िए आप लोग, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन हम लोग जानते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, और 1 न्यूटन कब होगा, तो हम लोग पढ़े हैं एफ बराबर क्या होता है m×a, मतलब कि द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण, मतलब द्रव्यमान भी कितना हो जाए 1 और त्वरण भी कितना ले लें 1, तो जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा क्या आएगा 1 न्यूटन, 1×1 कितना हो जाएगा 1 न्यूटन, कितना आएगा 1 न्यूटन, तो वही पूछा है, और द्रव्यमान का हम लोग जानते हैं कि 1 लिए मतलब द्रव्यमान का क्या हो जाता है kg, क्या हो जाता है kg, और 1 लेंगे तो 1 kg द्रव्यमान लिए, अब क्या लेंगे त्वरण, तो 1 m/s² 1 m/s², तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 kg × 1 m/s², ठीक है। आप लोग देखिए ऐसा कोई आंसर आपको दिख रहा है तो 1 kg × 1 m/s², ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ठीक है। चलते हैं आगे,
देखिए अगला क्वेश्चन बोला है, अभी हम लोग पढ़े थे 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है ना। तो हम लोग आगे पूछा क्या 4.6, तो 4.6 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा 4.6 × 3.6 × 10⁻⁶ जूल, क्या हो जाएगा जूल। बोलिए इसको आप लोग गुना कर सकते हैं 4.6 को 3.6 से, तो हम लोग अगर इसको ख़त्म करें तो यहाँ भी 10, यहाँ भी ख़त्म किए तो यहाँ भी क्या आएगा 10, मतलब 5 × 10 = 18 × 36, 5 × 10 = 9 × 2 = 18, तो 9×54 9×54 = 4 बाकी 5 और 9×36 और 5 कितना होगा 37 × 4 = 41 36 × 41 अब बटा 25। अब बोलिए आप लोग अगर हम लोग भागा देंगे, क्या देंगे भागा, तो 400 है मैं क्या है 400 और 25×100 होता है 4×16। आप लोग ऐसे ही बताइए कि 16 कोई ऑप्शन में दिख रहा है, 16 कोई ऑप्शन दिख रहा है, तो बोलिएगा हाँ 16 इसमें दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा इतना आंसर मेरा 16.56 × 10⁶ जूल, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि 1 न्यूटन, अभी हम लोग पढ़े थे कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है 1 kg m² 1 kg m/s², तो ऑप्शन नंबर यहाँ मेरा क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे, अब बोला 2 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 3.6 × जूल, तो 2 पूछा है 36 × 72 मतलब 7.2 × 10⁻⁶ जूल, 1 बराबर है तो 2 बराबर 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 7.2 × 10⁻⁶ जूल, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए आगे क्या बोल रहे हैं 4.2 किलोवाट, तो यही भी वही चीज़ है कि इसको हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे 3.6 × 10⁻⁶ जूल, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा गुना कर देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पॉइंट ख़त्म करें तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो अगर इसको काटें 18 × 36 5 × 10 5 × 10 9 × 18 9 × 18 9 × 18 = 8 और 9×36 = 37 बटा में 25, बोलिएगा कितना हो जाएगा 375 लगभग है, तो 12 बार में कटता, 300 रहता तो 25 से कितना बार में कटता 12 बार में, लेकिन 375 है तो कितना बार में कटेगा 15 कोई ऑप्शन में आपको दिख रहा है लगभग, तो 15 बोलिएगा हाँ सर क्या दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो आंसर क्या हो जाएगा 15.12 × 10⁶ जूल, ठीक है। चलते हैं आगे, देखिए आगे क्या बोला है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष कल भी हम बताए थे कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁰ मीटर, अगर इसको किलोमीटर में दे तो 9.46 × 10⁰ किलोमीटर। हम लोग जानते हैं किसकी मापने की इकाई है दूरी, किसका दूरी का, किसका है दूरी का, तो हम मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आगे क्या बोला है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि 1 नैनोमीटर क्या दिया नैनोमीटर, नैनोमीटर क्या होता है 10⁻⁹ मीटर, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बटा में लिखेंगे तो यही पावर मेरा क्या हो जाएगा प्लस, इसी को हम लोग बटा में लिख सकते हैं, तो बटा में लिखेंगे तो यहाँ मेरा पावर क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 1/10⁻⁹ मीटर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/10⁻⁹ मीटर, तो यहाँ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे, देखिए आगे क्या बोला है 1 कूलम/सेकेंड, मतलब हमको सिंपल बोला है कि क्यू अबाई कूलम किसका होता है क्यू का, सेकेंड किसका होता है टाइम का, मतलब क्यू आई टी, क्यू आई टी किसका होता है विद्युत धारा का, विद्युत धारा आई का, आई किसका मात्रक होता है एम्पियर, आई का मात्रक क्या होता है एम्पियर, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। बोलिएगा कि 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻¹² मीटर, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होगा 10⁻¹² मीटर, तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे, अब पूछा 1 जूल, 1 जूल मतलब जूल किसका मात्रक होता है, हम लोग बताए थे कि डब्लू कार्य का मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है जूल, क्या होता है जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, और W बराबर अगर हम लोग लिखें तो हम पढ़ाए थे कि W बराबर क्या होता है FS, मतलब बल गुने विस्थापन,
कार्य तभी होता है जब किसी चीज पे बल लगाए, अब बल लगने के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, विस्थापन। जब तक विस्थापन नहीं होगा कार्य नहीं होगा। तो हम लोग पढ़े थे W बराबर क्या होता है एफ एस। अब बताइएगा कि W का क्या होता है जूल, तो F का क्या होगा न्यूटन, बल का न्यूटन। अब बताएं विस्थापन का क्या होता है मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो बोलिए न्यूटन मीटर दिख रहा है आपको, तो बोलेंगे नहीं दिख रहा है, देखते हैं क्या है। हाँ देखो यहाँ दिख रहा है 1 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। एक लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एक जूल है तो इसके साथ भी एक एक लगेगा, तो 1 नैनोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। देखिए आगे क्या बोला है, आगे बोला एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो वह कितनी होगी, कितनी होगी। हम लोग जानते हैं कि एक यूनिट बराबर क्या होता है, एक यूनिट बराबर हम लोग लिखते हैं, वही लिखते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। इसी को हम लोग बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। तो पूछा है तो हम लोग जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर क्या होता है इतना, तो पूछा क्या है 100 यूनिट का, क्या पूछा है 100 यूनिट का खपत है, तो जूल को मतलब ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो कितना होगा। तो हम लोग बताइएगा कि 100 का पूछा है, मतलब एक का जब इतना होता है तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 100 यूनिट बराबर 100 गुना हो जाएगा इसमें, तो 3.6 × 10⁶ जूल। इसको हम लोग 100 को लिख सकते हैं 10^2 × 3.6 × 10⁶ जूल। अब बताइएगा गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, आधार सेम हो तो गुना में पावर जुट जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3.6 × 10⁶ कितना हो जाएगा 8, 6 × 2 8, मतलब कि 3.6 × 10⁸ जूल। आंसर मेरा अगर बोले तो आंसर मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे, देखिए आगे क्या बोला, 746 वाट को हम लोग क्या कहते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे कि 1 HP पढ़े थे, क्या पढ़े थे 1 HP, 1 HP बराबर क्या होता था 746 वाट, क्या होता था 746 वाट। तो यहाँ मेरा आंसर क्या होना चाहिए कि 1 746 वाट को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग 1 अश्व शक्ति भी कह सकते हैं, उसी को हॉर्सेस पावर बोलते हैं अश्व शक्ति हिंदी में। तो मेरा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ऑप्शन नंबर ए। देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से, क्या बोला कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को, मतलब समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसमें क्या उपयोग किया जाता है, इसमें उपयोग किया जाता है पेरियस्कोप का, किसका उपयोग किया जाता है पेरियस्कोप का, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। पायरोमीटर क्या है, पायरोमीटर वो होता है जो दूर की वस्तुओं को तापमान ज्ञात करने में पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर क्या होता है, ये गाड़ी जो हम लोग चलाते हैं जो दूरी को नापते हैं, जो मीटर लिखाता है गाड़ी में जैसे मीटर रहता है, तो मीटर को जो दूरी को बताता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं ओडोमीटर, क्या कहते हैं ओडोमीटर। एपीडियो क्या होता है, इस चित्र को पर्दे पर दिखाया जाता है, उसी मतलब ये दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो पेरियोस्कोप, किसका किया जाता है पेरियोस्कोप, ठीक है। ऊपर कीजिए, चलिए देखिए आज का मतलब लास्ट सेशन था 50 क्वेश्चन, आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। आज का क्या है देख लेते हैं मोटिवेशनल थोड़ा सा, कह रहा अपने आप को चुनौती देना, अपने आप को चुनौती देना, प्रत्येक प्रयास अपने आप को जानने के लिए श्रेष्ठ प्रयास है, मतलब सबसे अच्छा अपने आप को अगर जानना है तो अपने आप को क्या दें एक चुनौती दें, डेली क्या दें एक चुनौती दें कि हमें एक चुनौती लेना है डेली। अगर अपने आप को सबसे श्रेष्ठ जानना है, अपने आप को अगर जानना हो तो अपने आप को चुनौती देने का प्रत्येक प्रयास अपने आप को जानने के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रयास है। अपने आप को अगर बढ़िया से जानना है एकदम अच्छे से तो सबसे श्रेष्ठ प्रयास क्या होगा कि हम डेली अपने आप को एक क्या दें एक चुनौती दें कि हमको आज ये करना है, आज ये करना है, डेली एक चुनौती लेके चले, ठीक है। अगर लाइफ में लक्ष्य तक पहुंचना है तो डेली हम लोगों को एक चुनौती, डेली एक सुबह उठकर हम लोगों को क्या करना है दिन भर शेड्यूल जरूर रखना चाहिए, ठीक है। बाकी फिर मिलेंगे अगले फिजिक्स या केमिस्ट्री ऐसे ही सेशन आता रहेगा, आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। चैनल को थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। बाकी देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।